बगलामुखी, जय श्री महाकाल, अजा एकादशी, डेट 2024। अजा एकादशी का व्रत कब है? 28 या 29 अगस्त, जाने सही तिथि, सही तारीख, महत्व, व्रत प्रायण का समय। अजा एकादशी 2024, अजा एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं अजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत प्रायण का समय क्या होगा। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवती बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे। ऐसी मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को अजा एकादशी 2024 में कब होगी, 28 या 29 अगस्त, सही तारीख, महत्व और व्रत प्रायण का समय संपूर्ण जानकारी एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजा एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसीलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद ये एकादशी आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी स्थिर होकर के उस व्यक्ति के घर में सदा सदैव के लिए निवास करती है। साथ ही साथ व्यक्ति के द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं अजा एकादशी व्रत की तारीख, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी की जो तिथि है वो 28 अगस्त 2024 मध्यरात्रि 1:20 पर ये तिथि प्रारंभ होगी और अजा एकादशी की तिथि का जो समापन है वो 29 अगस्त 2024 मध्यरात्रि 1:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। उदिया तिथि के अनुसार 29 अगस्त 2024 को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 29 अगस्त को दो शुभ संयोग अजा एकादशी के दिन बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरे नंबर पर सर्वार्थ सिद्धि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। यह योग ज्योतिष शास्त्र में बड़े ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माने जाते हैं। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ, भक्ति भाव या कोई भी कार्य असाध्य कार्य के लिए इन योगों का होना अत्यधिक जरूरी होता है, वह सभी सिद्ध योग में सफल हो जाते हैं। इसलिए इस बार अजा एकादशी के दिन पुण्य के कार्य करने से उनका दुगुना फल और अक्षय गुना फल साधक को अपने जीवन में, व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अजा एकादशी के व्रत का प्रायण का समय क्या रहेगा। अजा एकादशी व्रत प्रायण का जो समय है वो 30 अगस्त 2024 लाभ की चौघड़िया होगी और 7:34 से लेकर के 9:10 तक का समय आप प्रायण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का प्रायण करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। अजा एकादशी का शास्त्रों के अनुसार क्या महत्व है, पुराणों में इसके विषय में क्या कहा गया है, तो पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और अक्षय गुणा पुण्य व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में उसको स्थान मिलता है और जन्म मरण का जो बंधन होता है, 84 का जो बंधन होता है, उस बंधन से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। मान्यता यह है
कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रतिफल साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है तथा अनेकों प्रकार की सुख सुविधा और भौतिक सुखों की वृद्धि उस व्यक्ति के जीवन में होती है जो अजय एकादशी का व्रत करता है। इसलिए इस एकादशी के दिन हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की और व्रत का पारायण समय पर करके पूजा विधि और शुभ मुहूर्त शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा यदि हम करते हैं तो ऐसा करने से जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगला मुखी, जय श्री महाकाल।